नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन्फोडाउन चैनल में। मलेरिया का दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का कोरोना वायरस के ऊपर क्या इफेक्ट है और ये कैसे कोरोना को रोकता है, इसके ऊपर मेरा काल का वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा और नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो को लेकर। पर आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आज हम बात करेंगे वायरस और बैक्टीरिया के बैक्टीरियोफेज के बारे में। एक बैक्टीरियोफेज, जिसे अनौपचारिक रूप में फेज के रूप में भी जाना जाता है, एक वायरस है जो बैक्टीरिया और आर्किया के भीतर संक्रमित और प्रतिकृति करता है। ये शब्द बैक्टीरिया और ग्रीक फेजिन से लिया गया था, जिसका अर्थ है भक्षण करना। बैक्टीरियोफेज प्रोटीन से बना होता है जो डीएनए या आरएनए जीनोम को घेरता है और इसमें संरचनाएं करती है जो या तो सरल या विस्तृत होती है। उनके जीनोम 4 दिनों से सैकड़ों दिनों तक हो सकते हैं। फेज बैक्टीरिया कोशिकाओं से जुड़ते हैं और एक वायरल जीनोम को सेल में इंजेक्ट करते हैं। वायरल जीनोम बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी रूप से बैक्टीरिया जीनोम की जगह लेता है। जीवाणु कोशिका, जो संक्रमण का कारण बनती है, प्रजनन करने में असमर्थ होती है और इसके बजाय अतिरिक्त बैक्टीरियोफेज का निर्माण करती है। बैक्टीरियोफेज जीवमंडल में सबसे आम और विविध संस्थाओं में से है। बैक्टीरियोफेज सर्वव्यापी वायरस है। जहाँ भी बैक्टीरिया का मौजूदगी है, वहाँ पर ही बैक्टीरियोफेज को देखा गया है। ये अनुमान लगाया गया है कि ग्रह पर कोई करोड़ों से भी अधिक बैक्टीरियोफेज है, जो बैक्टीरिया सहित पृथ्वी पर हर दूसरे जीव से अधिक है। फेज और अन्य वायरस के लिए घने प्राकृतिक क्षेत्रों में से एक समुद्री जल है, जहां सतह पर माइक्रोबियल मैट में प्रति मिलीलीटर पर सैकड़ों करोड़ से भी अधिक बैक्टीरियोफेज पाया गया है और 70% तक समुद्री बैक्टीरिया बैक्टीरियोफेज से संक्रमित है। पूर्व सोवियत संघ, मध्य यूरोप और फ्रांस में एंटीबायोटिक दवाओं के विकल्प के रूप में 19वीं शताब्दी के अंत से फेज का उपयोग किया गया है। उन्हें कई बैक्टीरिया के बहु औषध प्रतिरोधी उपभेदों के खिलाफ एक संभावित चिकित्सा के रूप में देखा जाता है, जिसको फेज थेरापी कहा जाता है। वातावरण में करोड़ों से ऊपर मौजूद बैक्टीरियोफेज का विभिन्न जीवन शैली और वर्ग होते हैं। आकृति विज्ञान और न्यूक्लिक एसिड के अनुसार फेज को इंटरनेशनल कमिटी ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस ICTV द्वारा वर्गीकृत किया गया है। 19 परिवारों को वर्तमान में ICTV द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो बैक्टीरिया और आर्किया को संक्रमित करते हैं। इनमें से केवल 2 परिवारों में आरएनए जीनोम है और केवल 5 परिवार एक लिफाफे से घिरे हैं। डीएनए जीनोम वाले वायरल परिवारों में से केवल 2 में एकल असहाय जीनोम होते हैं। डीएनए जीनोम वाले वायरल परिवारों में से 8 में परिपत्र जीनोम होते हैं, जबकि 9 में रैखिक जीनोम होते हैं। 9 परिवार केवल बैक्टीरिया को और बाकी 9 आर्किया को संक्रमित करते हैं और उनमें से केवल 1 आर्किया और बैक्टीरिया दोनों को संक्रमित करता है। फेजेस की तुलना अक्सर एंटीबायोटिक दवाओं से की जाती है। फेज एंटीबायोटिक दवाओं की तुलना में अधिक सफल होते हैं। एंटीबायोटिक्स, जहां एक पॉलीसेकेराइड परत द्वारा कवर किया जाने वाला बायोफिल्म में आमतौर पर घुस नहीं सकता है, वहां पर फेजेस ज़्यादा काम करता है। ये बैक्टीरियोफेज एंटीबायोटिक दवाओं की तुलना में बहुत अधिक विशिष्ट है। वे आमतौर पर न केवल मेजबान जीव के लिए हानि रहित है, बल्कि अन्य बैक्टीरिया संक्रमण की संभावना को भी कम करते हैं। फेज मिश्रण, जिसको कॉकटेल का नाम दिया गया है, उसका उपयोग अक्सर सफलता के संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। वैकल्पिक रूप से रोगियों को ठीक करने के लिए लिए गए नमूनों में कभी कभी उपयुक्त फेज होते हैं, जो उसी तनाव से संक्रमित अन्य रोगियों को ठीक करने के लिए उगाए जा सकते हैं। वर्तमान में विशेष रूप से रूस और जॉर्जिया में फेज का उपयोग चिकित्सीय रूप से बैक्टीरिया के संक्रमण के इलाज के लिए किया जा रहा है, जहां पे पारंपरिक एंटीबायोटिक दवाओं काम नहीं करता है। 2019 में अमेरिका संयुक्त राष्ट्र में यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फेज चिकित्सा के लिए नैदानिक परीक्षण का मंजूरी दे दिया। फेज थेरापी का मानव चिकित्सा के साथ साथ दंत चिकित्सा, पशु चिकित्सा, विज्ञान और कृषि में कई संभावित अनुप्रयोग है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। नए अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।